कहाँ हो? किसी काम में गड़बड़ी होना आम बात है। एक प्लान होना, एक दिशा होना, एक ब्लूप्रिंट बनाएं और सटीक स्ट्रैटेजी अपनाएं, तभी हमें कामयाबी मिलती है। अगर फ्यूचर के बारे में सावधानी और सही ढंग से सोचा जाए तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम सुलझाई जा सकती है। हाय, मैं एलिसन मेयर्स बोल रही हूँ। आपके यहाँ डिजाइन डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में पूछना था। नहीं, मैं रेज्यूमे पहले ही सबमिट कर चुकी हूँ। हाँ हाँ, मैं समझती हूँ। थैंक यू। रिदम, डेटा, हायरार्की, इन सब बातों से जिंदगी की मुश्किलें आसानी से सवारी जा सकती हैं। हाय, एलिसन मेयर्स बोल रही हूँ। वो पिछले हफ्ते मैंने आपके यहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, तो मुझे उस इंटरव्यू का रिजल्ट जानना था। क्या कोई सिलेक्ट हुआ? मतलब सिलेक्शन हो चुकी है। एक्सेस। संतुलन। संपूर्ण बदलाव। प्लानिंग करना सिर्फ तैयारी नहीं होती, बल्कि जो नतीजे हम चाहते हैं उसकी शुरुआत भी होती है। उसी से हमारा फ्यूचर साकार होता है। जब हम पूरी पक्की प्लानिंग कर लेते हैं तो फिर हमारे रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। ये है मेरे बॉस की कार, बहुत बढ़िया है। और ये है मेरे बॉस की वाइफ की कार, ये भी बहुत प्यारी है। और ये है मेरे बॉस के कजन की कार। ओ, भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ भाई, आज रात हमें ऐसा कुछ मिलने वाला है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। और इसके बाद हमारी पहचान हुई और टीना को लगता था कि गिब बहुत ही हैंडसम है, अच्छा म्यूजिशियन है, उसके लंबे बाल हैं, स्टाइलिश है वो। लेकिन गिब की प्रॉब्लम ये थी कि वो कॉलेज की हर लड़की के पीछे लट्टू था। उसे तो पता भी नहीं था कि टीना नाम की कोई लड़की उसके कॉलेज में भी है जो उसके पीछे पागल है। मेरे भाई को टीना से प्यार हो गया, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि टीना के साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरे भाई को पता चल गया कि टीना सुपर हाई में है। हाई में? हाई मेंटेनेंस। ओके, तो अब तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है। और अब तक इस हत्या का मकसद पुलिस को पता नहीं चल पाया है। लगातार दूसरे हफ्ते में भी स्टॉक मार्केट गिर चुका है। और अब मजदूरों के शॉर्टेज की खबर के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि आखिर वो कुत्ता वहां आया कैसे। गुरुवार की देर रात ऑरलैंडो की एक औरत की मौत में पुलिस को अब तक एक संदिग्ध की तलाश है। 22 साल की एमिली जेन की विंटर पार्क रेस्टोरेंट के बाहर बेरहमी से चाकू घोप कर हत्या की गई, जहां वो वेट्रेस का काम करती थी।
आप मंजिल तक पहुंच चुके हैं, मेल आपको यही मिलेगा। चलती आओ नील, कहाँ हो तुम? तुम नील हो? जी हाँ। तो तुम नील हो? हाँ मैं ही हूँ। ये तुम नहीं हो। काम चल सकते हैं? मुझे जरूरी काम है और वहाँ जल्दी पहुँचना है। पर मैं यहाँ इसे लेने आई हूँ। नहीं, वो नील है और तुम मुझे लेने आई हो। तुमने कहा था तुम नील हो। पता है, देखो नील मेरा दोस्त है और उसी ने टैक्सी मंगवाई है, तो अब हम चले प्लीज। पहले मुझे नील से बात करनी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, अभी उसे कॉल करती हूँ। कॉल करने की कोई जरूरत नहीं। उसे मैसेज किया होगा, उसका मैसेज आया? अरे नील बोल रहा हूँ, बीप के बाद मैसेज छोड़ना। ओके, देखो यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है, ये टैक्सी मेरे लिए नहीं तो और किसके लिए है? तो क्या अब हम चल सकते हैं? डोंट वरी, नील का कॉल आ जाएगा। वैसे तुम्हारा शुक्रिया। किस लिए? मुझे लेकर जाने के लिए। तुम्हें परेशानी हुई जबकि ये तुम्हारे रूल्स के खिलाफ था। कोई बात नहीं। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था मैं आज सो नहीं पाऊंगा। मैं चाहता था सब आराम से हो जाए। ऐसा क्यों कहा तुमने? क्या यही कि तुम आज सो नहीं पाओगे? खैर कोई बात नहीं, पर्सनल मत लेना। मैं एक और पैसेंजर को यूं भगाना नहीं चाहती। तुमने पहले किसी को भगा दिया? एक लड़का था, मुझ पर लाइन मार रहा था, रास्ते में उतार दिया। कहाँ छोड़ा उसे? क्या पता, कहीं भी जाए। पर उसने कंपनी में कॉल किया और मेरी कंप्लेंट कर दी। इस वक्त ये जॉब मैं खोना नहीं चाहती, इसलिए। अच्छा, पर मुझसे डरने की जरूरत नहीं। तो हमें जाना कहाँ है? किसी क्लब में जा रहे हैं? नहीं, मुझे वो शोर शराबा पसंद नहीं। क्लब के गाने मुझे अच्छे नहीं लगते। पर इतनी रात को इसके अलावा और क्या काम हो सकता है? वो तो अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। मतलब मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर ऐसे ही पूछा। इस वक्त या तो लोग बार से घर जाते हैं या घर से बार की ओर जा रहे होते हैं, या तो मैं किसी चोर को चोरी के ठिकाने ले जा रही हूँ जिसे वक्त का पता ही नहीं है। फिर तो मुसीबत हो जाएगी। आगे रास्ता बंद। हाँ, यहाँ से राइट टर्न लीजिए। पर कोई बात नहीं, मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। एक बात पूछूं तुमसे?
तुम्हारी लाइफ की सबसे बुरी रात कौन सी थी? क्या मतलब? मतलब किसी पैसेंजर की वजह से कुछ? नहीं, मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। तुम्हें अच्छा लगता है क्या टैक्सी चलाना? हाँ, ये काम पसंद है तुम्हें? ये मेरा काम नहीं, पैसों की खातिर कर रही हूँ। वो साफ साफ दिखता है। एक्चुअली मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, यही मेरा असली काम है। बस कुछ दिनों से मुसीबत में हूँ। मैं बताता हूँ, कैटास्ट्रोफिक स्ट्रक्चरल फेलियर हुआ होगा। नहीं, वो असल में कैटास्ट्रोफिक पर्सनल फेलियर कह सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस शहर में कुछ दिनों से आर्किटेक्ट कंपनीज हैं और हर कोई एक दूसरे को पहचानते हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए वो पीछा नहीं छोड़ते। पर हाँ, मैं वापस जरूर जाऊंगी, मुझे पता है। तो तुम क्या करते हो? रात में काम करता हूँ तुम्हारी तरह। अच्छा, रात में शहर अच्छा लगता है। हाँ, ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता। हाँ, सही कहा। सभी रास्ते सुनसान होने लगते हैं रात के 2 बजे तक, यही बेस्ट टाइम है। बाहर कितने कम लोग हैं, ऐसा लगता है ये शहर बस मेरा है। वक्त अच्छा बीत जाता है। हाँ, कभी कभी तो एक भी आदमी सड़क पर नहीं दिखता। मुझे सुनसान रास्ते पसंद है, ऐसा लगता है जैसे दुनिया में मैं अकेला हूँ। लगता है जैसे पूरी दुनिया शांत और खाली हो गई है। ये वाकई शांत है, सुनकर अच्छा लगा। हाय, मैं पहुंच रहा हूं। तुम वो ले आए? हाँ, है मेरे पास, वो एक काले बैग में होगा। अब ये मत पूछने कि कहां से मिला, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। नहीं, अकेला आ रहा हूं, मैं टैक्सी में हूं। मुझे छोड़कर वो तुरंत चली जाएगी, तुम उसे देख भी नहीं पाओगे। मैं उसकी चिंता नहीं करता। तो तुम्हारा वही फ्रेंड था? कौन? नील? नहीं, देखो मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा, पर हम कहीं रुक सकते हैं? क्या मतलब? I'm sorry, पर आगे शायद एक टॉयलेट है, क्या हम वहां पर 1 मिनट रुक सकते हैं? रुकना जरूरी है? सॉरी। देखो, पर हम जल्दी तुम्हारे एड्रेस पर पहुंचने। नहीं नहीं, मुझे पता सच है, हम बस पहुंचने वाले हैं। देखो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ओके, रुक जाते हैं। थैंक यू। हाँ, बस यहीं पर। मैं बस अभी आया, वहां वेंडिंग मशीन है, कुछ चाहिए तो? थैंक्स, मैं ठीक हूँ। पक्का? हाँ, मैं यहीं रुकती हूँ। ओके।
वो क्या हो गया? तुमने तो डरा ही दिया। मैं उतना भी डरावना नहीं हूं, है ना? आने में देर हो गई, सॉरी। हे, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, थोड़ा पी लो। मैंने पहले ही उसे खोल दिया था। कूल, थैंक्स। तुम्हें कोला पसंद नहीं? मैं इसे बाद में पी लूंगी जब कैफीन की जरूरत होगी। ठीक है। अगर तुम यहाँ पर कुछ चुराने आए हो तो भाई बहुत देर हो चुकी है। मैं चोर नहीं हूँ। क्या सेवा करूँ आपकी? यहाँ इयररिंग्स ढूंढने आया हूँ। कौन से इयररिंग्स? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं ले? एमिली जेन। एक हफ्ते पहले इस लड़की को रेस्टोरेंट के पार्किंग लॉट में 8 बार चाकू मारा गया। ओ नहीं, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये फोटो उसी दिन ली गई है। ये इयररिंग्स देख रहे हैं? जब वो हॉस्पिटल पहुंची उसके कानों में ये नहीं थे। जिसने इसका खून किया होगा ये उसी के पास है। और तुम्हें लगता है कि यहाँ उन्हें कोई बेचने आया होगा? सुंदर तो है, मतलब इयररिंग्स, पर नहीं, मैंने नहीं देखे। तो अगर कुछ पता चले मुझे कॉल करना। तो क्या अब तुम शहर के हर पान शॉप में जाकर पूछोगे? तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल। थोड़ी सी परेशान लग रही हो। नहीं तो थोड़ा म्यूजिक चलाती हूँ। एक्सक्यूज मी, ये म्यूजिक बंद कर दोगी प्लीज? क्या कहा? मैंने कहा प्लीज म्यूजिक बंद कर दो। तुम्हें ये पसंद नहीं? नहीं, सच कहो तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि सॉरी, मुझे पता नहीं था शायद इतना लाउड म्यूजिक। तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं बस लाउड म्यूजिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद मेरे दिमाग में कोई गड़बड़ है, मेरा जी घबराता है। और मैं बस ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मुझे सच में ऐसा म्यूजिक सुनकर कुछ होने लगता है। सच कहूँ तो चक्कर आने लगते हैं। गाना जितना तेज हो प्रॉब्लम उतनी बढ़ने लगती है। तुमने कभी राइट ऑफ स्प्रिंग सुना है? नहीं। इगोर स्ट्रैविंस्की ने सन 1900 में एक ऐसा म्यूजिक कंपोज किया था जो बहुत ही तेज और परेशान करने वाला था, जिसे सुनकर ऑडियंस हंगामा कर देते थे। जिन लोगों ने पहली बार सुना था वो पागल हो गए थे। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। हालांकि कुछ साल बाद वो मशहूर हो गया था, लेकिन ऐसा ही होता है, लोगों को पागलपन सहने की आदत हो जाती है। ये बद्दू कैसी है? क्या कुछ जल रहा है? मुझे स्मेल आ रही है। हाँ, सही कहा तुमने। मैं एक मिनट गाड़ी यहीं रोक देती हूँ। मैं देखती हूँ क्या हुआ। बस अभी आई।
मैं हूँ। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो इंजन कुछ ज्यादा गर्म हो गया है। अच्छा, अब तक इंजन ठंडा हो गया होगा ना, तो हमें चलना चाहिए। हाँ। तुम फोन किसे कर रही थी? फोन हेल्प के लिए फोन किया था, यू नो, इस इंजन के लिए। मैंने किसी को कॉल नहीं किया। लेकिन मैंने तो सुना नील, तुम्हारा फोन, आखिर उसका कॉल आ गया। नील, उसने तुम्हें कॉल किया था? देखा, मैंने कहा था ना, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। देरी के लिए माफी चाहती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन अब जल्दी से चलो प्लीज। देखो तुम गाड़ी को एक बार चेक करवा लो, इसका इंजन बार बार गर्म हो जाता है ना। पता है, मैं करने वाली थी। अब कार रोज यहाँ वहाँ जाएगी तो ये सब होता ही रहता है, और इस ऐप में ऐसे खर्चे कवर भी नहीं होते। हाँ ये एक्स्ट्रा का खर्चा है, पर इस काम में ये जरूरी है कि कार ठीक से चले। वैसे भी ये तुम्हारी रोजी रोटी है। 5 साल कॉलेज करूं, 2 साल इंटर्नशिप और फिर अप्रेंटिसशिप, और मेरी कार मेरी रोजी रोटी है। 1 मीटर के बाद वॉकहल ड्राइव पर लेफ्ट लीजिए। मैंने पहले नोटिस नहीं किया, पर तुम्हारा ब्रेसलेट बहुत खूबसूरत है। थैंक्स। पूछ सकता हूँ ये कहाँ से खरीदा? मेरे पुराने बॉयफ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट किया था। पहले वीकेंड पर जब हम बाहर घूमने गए थे तब उसने दिया। हम काम की वजह से एक दूसरे से ज्यादा नहीं मिल पाते थे, इसलिए ये ट्रिप हमारे लिए बहुत खास थी। हम ईबोर सिटी गए थे और वहाँ के एक खूबसूरत पुराने होटल में हमने स्टे किया था और अच्छा डिनर भी किया था। उसके बाद हम बीच पर घूमने गए थे जहाँ सिर्फ हम थे और समंदर की लहरें, और फिर वो अचानक से रुक गया और उसने अपने कोट की जेब से ये ब्रेसलेट निकाला और हम पूरी रात वहीं थे। उसने पहनाया और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। रिकैलकुलेटिंग। तुमने वो देखा? लगता है तुमने सिग्नल नहीं देखा। पर क्या तुमने वो देखा? कहीं वो कोई कुत्ता तो नहीं था? हाँ अब चलो, रुको, तुम्हें नीचे नहीं उतरना चाहिए। जाकर कार में बैठो। ये मर गया? ओ, ओ, नहीं।
नहीं, ये क्या हो गया? सॉरी रेमंड, यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है। हम अभी फॉक्स हंट और लैंक्रॉफ एवेन्यू के पास है। मुझे नहीं पता, वो बस यहाँ पड़ा हुआ है। क्या? मैं ऐसा कभी नहीं करता। पुलिस को नहीं बुलाते? पर हमें जाना चाहिए। हम नहीं जाएंगे। सड़क पर एक लाश पड़ी है, मुझे उन्हें बताना होगा कि यह क्या हुआ। मैं अपना लाइसेंस खोना नहीं चाहती, मुझे जेल जाना पड़ेगा। मैं सब कुछ खो बैठूंगी। हाँ। पर हम क्या कहेंगे? तो तुम बात करो ना उनसे, बता दो कि एक्सीडेंट था। प्लीज, अगर तुम मेरे लिए इतना कर दोगे तो। नहीं, नहीं। क्या? मैं किसी भी हालत में पुलिस से बात नहीं करने वाला। लेकिन फिर मैं क्या करूँ? अगर तुमने पुलिस को कॉल किया तो वो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। जानबूझकर हो या गलती से तुमने ये गुनाह किया है, और जैसे तुमने कहा, तुम सब कुछ खो दोगी। नाम क्या है तुम्हारा? एलिसन। और सरनेम क्या है? मेयर्स। एलिसन मायर्स, तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो क्या तुम मेरी हर बात मानोगी और मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करोगी? हाँ। तुम श्योर हो? मुझे कहीं पहुंचना है। रुको, मेरी हेल्प करो। एक मिनट, इसका एक जूता गायब है। एलिसन, तुम्हारी कार में एक लाश है, हमें चलना चाहिए। के लिए सूचना, फॉक्स हंट एंड लैंडक्राफ्ट पर सिग्नल 4 के लिए तुरंत पहुंच जाइए। 911 कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। 10-4 डिस्पैच, वहाँ कोई पेट्रोल कार नहीं है? मैं यहाँ केस में उलझा हुआ हूँ। नहीं है डिटेक्टिव हार्टफोर्ड, आप जल्द से जल्द वहाँ पहुंच जाइए। ठीक है, मैं भी वहाँ पहुंचता हूँ। 2359 हम इसको क्यों ले जा रहे हैं अपने साथ इस गाड़ी में? अगर उसे वहीं छोड़ देते तो खून का इन्वेस्टिगेशन होता और पुलिस तुम्हें ढूंढने लगती, लेकिन अगर लाश ना हो तो सजा देना नामुमकिन हो जाता है। सबको लगेगा वो आदमी कहीं गायब हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे? पहले हम मेरे ठिकाने पर जाएंगे, मेरा काम हो जाए उसके बाद तुम जहाँ कहोगे वहाँ चलेंगे। मतलब कहाँ? लाश को ठिकाने एक ऐसी जगह जहाँ उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। यहां से राइट लेना। क्या पहले भी तुमने ये सब किया है? मैंने पहले क्या किया है? तुम्हें पता है इस तरह का काम? हिट एंड रन? नहीं, लाश ठिकाने लगाना। एक्सीडेंट के पहले तुम मुझसे कुछ छीनने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें रोकने के लिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। उस गन से तुम क्या करने वाली थी? क्या लगता है मैं क्या करने वाला था? पता नहीं, मैं बस डर गई थी। किस बात से? मैंने तुम्हारा बैग चेक किया जब हम वहां रुके थे, तब मैंने बैग खोल कर देखा। तुम्हें ऐसा नहीं करना वो चाहिए सामान था। क्या है?
ज्वेलरी, सोने की घड़ियां। मैंने देखा उस आदमी की उंगली से तुमने अंगूठी भी निकाली। वो एक लाश है अब। क्या तुमने इसी तरह वो सामान इकट्ठा किया? क्या मतलब? तुमने चोरी की है, तुमने हर वो चीज किसी से चुराई है। हाँ। मैंने खून लगा देखा उस घड़ी पर, कहीं तुमने तुमने उन लोगों को मार डाला। तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो तुम मेरा कहा मानोगी, मैं जो कहूंगा वही करोगी। हाँ। तो चुप बैठो अब। मैं जानता हूं तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, पर मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं इस काम को जल्दी खत्म करना चाहता हूं। और तब तक मैं क्या करूं? कुछ करने की जरूरत नहीं। हेलो, हेलो। हाँ ठीक है, अब भी कुछ नहीं हुआ है। बाद में कॉल करता हूँ। हाँ बोलो जानेमन, कुछ लेने आई हो या पार्टी करने? मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। जिसे तुम ढूंढ रही हो वो पता नहीं पीछे का फालतू काम में लगा हुआ है। चलो मैं चलता हूँ, मजे करने हो तो यार रुक जाओ। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? नील एलिसन, मैंने टैक्सी बुक कराई थी। इतनी देर क्यों लगा दी? गलती हो गई, सॉरी, कार बिगड़ गई। इससे मिलो, ये मेरी गर्लफ्रेंड ब्रिजेट, और वो है वहाँ सोफे पर बोजर, यार से चिपका बैठा है। तुम देखना चाहोगे? वो सफेद पाउडर आकाश लगाओ, यार को आंखों पर चढ़ा लो, और ज़ूम, तुम्हें वहाँ पर एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, बहुत ही वाइल्ड और रियल। मुझे यकीन है बहुत अच्छा होगा, पर मैं तुम्हारे फ्रेंड को ढूंढने आई हूँ यहाँ। हाँ, वो पीछे ही होगा लो बॉय के साथ। हे, क्या ठीक को ढूंढना सरा?
वैसे तुम कौन हो? मैं एलिसन, मैं बैकसीट कंपनी की ड्राइवर हूँ। किसी को यहाँ पिक करने आई हूँ। तुम पिकअप करने के लिए लोगों के घर में घुस जाती हो क्या? नहीं, वो मैंने उसे यहाँ ड्रॉप किया और मुझे उसे कहीं और लेकर जाना है इसलिए। एलिसन, राइट? आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ। कोई बात नहीं, मैं वापस जाकर कार में वेट करती हूँ। लेडीज फर्स्ट। तो तुम टैक्सी ड्राइवर हो? हाँ, कैसा लगता है तुम्हें, मतलब टैक्सी ड्राइवर बनके? कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से मिलकर अच्छा लगता है। आओ बैठो। क्यों ना थोड़ा सा मूड बनाया जाए। तो तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती हो। I'm sorry, मैं बेडरूम में चली आई। मैं सच कह रही हूँ, मैं बस वो फ्रेंड को ढूंढ रही थी। मैं अच्छे से जानता हूँ, लोग कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं पर वो करते हैं। मतलब कि कॉज भी कोई देख लो, सबको लगता है कि वो बहुत ही शरीफ और सीधा है और खुद पर जोक्स करता है, पर वो कैसा है वो तो हम जानते हैं। उसने हर एक घाट का पानी पिया है और हम जानते हैं कि वो कैसा है। अब दूसरी तरफ मैं हूं, मुझे देख लो। तुम्हें लगता होगा कि मैं कोई ड्रग डीलर हूं, पुशर हूं या कोई किंग पिंग, पर देखो मैं ऐसा नहीं हूं। मैं दरअसल मैं वो हूं, मैं हीलर हूं, डॉक्टर हूं मैं। जानती हो, मैं एक पूरी कम्युनिटी को एक साथ लेकर आ रहा हूं। जानती हो? नहीं, थैंक्स। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मिस्टर ड्राइवर, तुम यहाँ क्या करने आई हो? देखो, कोर्ट हाउस की एक लड़की ने मुझे बताया कि पुलिस ने मेरे खिलाफ केस दर्ज किया है और किसी खबरी को यहाँ भेजा है मुझ पर नजर रखने, और कुछ दिनों बाद तुम यहाँ आती हो अचानक से। तो मैं क्या समझूं, तुम मेरे बेडरूम तक आ गई। तुम ही बताओ मैं कैसे यकीन करूं। तुम्हें लगता है कि मैं पुलिस हूं? मुझे नहीं पता कि तुम असल में कौन हो, और यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये है कैथी। कैथी यहाँ की सारी गंदगी साफ करती है, और कैथी प्रॉब्लम्स को गायब भी कर देती है, जैसे कि यहाँ आने वाले बिन बुलाए मेहमानों को। लो बॉय, अंदर क्या चल रहा है? सच बताओ, किसने भेजा तुम्हें? एंड्रीनो ने भेजा। दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं ये सारी चीजें लेकर चले जाऊंगा। हाँ, तुम कोशिश करते रहो और देखो कि उससे तुम्हें बदले में क्या मिलता है। कसम से मैं पुलिस नहीं हूँ। जानती हो, पुलिस वाला हमेशा यही कहता है कि वो पुलिस नहीं हो सकती। सच में? पर भला ऐसा क्यों? पुलिस नहीं, क्योंकि जाओ उसे पकड़ लो। क्या थी? क्योंकि मेरे कार में एक लाश पड़ी है। क्या? वैसे तुम्हारी जैसे सीधी साधी बच्ची के कार में लाश आई कैसे? क्योंकि मैंने उसे मार डाला। मुझे साइको लड़कियां बहुत पसंद है। मैं जाकर अंदर वेट करती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो कहने वाला था कि जाओ। हाँ,
सख्ती से मिली जाने वाली। वो एक क्रोकोडाइल है। मुझे लगता है वो एक एलिगेटर होगी। उसके दांत है और वो कीचड़ में रहती है। फिर क्या फर्क पड़ता है वो कौन है। मैंने मिडिल स्कूल में एलिगेटर पर प्रोजेक्ट किया था, समझे। वो आदमी कौन है जिसे हलाई हो। ओह गाइस, मैंने अभी उसे देखा। कौन है पता नहीं, अभी मिली हूँ उससे। क्या तुम नहीं जानते उसे। नहीं, पर अगर वो नील को कूल लगा तो कूल ही होगा। हे नील, वो लड़का कूल है ना। नहीं, ही बेवकूफ है। तुम उस लड़के को डिच कर सकती हो, मतलब अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो कह दो, मेरे किसी दूसरे अड्डे पर जा सकते हैं। हाँ, पर मुझे नहीं जाना। Hey, रुको रुको, सिर्फ तीन, मुझे कम से कम चार चाहिए। कई महीने लगे इसे ढूंढने में। हाँ मैंने सुन लिया यार, यही तो बिजनेस है। अच्छा सुनो, तीन कैब्स और मेरे टेबल पर रखा हो जो भी कुछ हो तुम्हारा। थैंक्स, मुझे मेरे ही ड्रग्स पसंद है। अब तुम जाने के लिए तैयार हो। क्या लगता है, जल्दी चलो, हमें ओक्स की तरफ जाना है। मतलब वो लेक ओकली, वहाँ ऐसा क्या है। अरे नहीं, अरे ये क्या हो गया। टेबल हटाओ, टेबल हटाओ। क्या लिया था इसने, जल्दी बताओ क्या लिया था। सही लिया और फिर ये गिर गई। उसका पर्स दो। कैसे लगते क्या, और तुमने इसे कोक दिया। मुझे क्या पता, क्या कह रहे हो तुम, मुझे नहीं पता। लो भाई मेरा बैग खोलो, वो बोतल दो मुझे। क्या ये मर जाएगी क्या। हाँ नहीं, ओ नहीं। तुमने तो कहा था ये मर जाएगी। सही कहा था, चलो। क्या हो गया। वो सब क्या था। वो सब ड्रग एडिक्ट्स है। मेरा मतलब है उस लड़की को क्या हुआ, तुमने उसे क्या पिलाया। रुको रुको, एक मिनट, ये रहा बोनस। तुम्हारा अनुबंध है, मेरे घर की एक लड़की की जान जो बचाई है तुमने। थैंक्स। और तुम, जाने मने से पहले कि किसी को पता चले कि तुमने किसी को मारा है, अपनी कार को अच्छे से धो लेना। तुम्हारा जवाब ने तुम कमा लो। शिट। कैप्टन, डिस्पैच ने बताया कि तुम्हें कुछ चाहिए। हाँ सर, क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन के लिए टेक्निकल टीम चाहिए। क्यों, क्या हुआ। शायद हिट एंड रन है सर, यहाँ रास्ते के बीचों बीच खून का तालाब बना हुआ है। लगता है विक्टिम रास्ते के साइड पर गिरा होगा। और उस विक्टिम की कंडीशन कैसी है। विक्टिम तो यहाँ पर नहीं है सर। तो ठीक है, तो तुम्हें रास्ते पर खून बहता नजर आया। देखो। जी सर। जानते हो हार्ट इस रास्ते पर अक्सर जानवरों को लोग उड़ा देते हैं। और एक मरे कुत्ते के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, इतने निठल्ले तो हम है नहीं। लेकिन यहाँ सड़क खून से सनी पड़ी है सर। हाँ तो शायद कोई बड़ा जानवर होगा। और क्या, देखो मैं जानता हूँ तुम अपना काम बहुत अच्छे से करते हो, ठीक है, पर ये पुलिस का तरीका नहीं होता है। अगर तुम्हें सड़क पर कोई लाश मिली होती तो बात बिल्कुल अलग होती। लेकिन अगर तुम्हें खून दिख रहा है तो जाके उसे साफ करवाओ। यस सॉरी सर, समझ गया। तुम ये गन क्यों रखते हो साथ।
मुझे उन लोगों पर भरोसा नहीं। नींद नहीं आती मुझे, मैं कई दिनों से सोया नहीं हूं। खुद को बिजी रखने के लिए मैं 24 घंटे काम करते रहता हूं। कई दिनों तक बेहोशी सी हालत रहती है मेरी। बहुत कुछ ट्राई करके देखा पर सिर्फ डायस्पैम ही असर करता है। मेडिकल इंश्योरेंस से कवर नहीं करता पर ये करना पड़ता है, इसीलिए गोलियां खानी पड़ती है। डायस्पैम? हाँ, वैलियम। ये गोलियां सीजर में भी काम आती है, इसीलिए उस लड़की को बचा पाया। और वो सब क्या है? रेस्क्यू टूल्स। मैं इन्हें लोगों को सीट बेल्ट से निकालने में यूज करता हूँ। इससे कपड़े कट सकते हैं, बैंडेजेस कट सकते हैं, कई फायदे हैं इसके। तो तुम EMT हो? मैं पैरामेडिक हूँ। क्या बता रहे थे उन ज्वेलरी और बाकी चीजों के बारे में? क्या वाकई में सब तुम वो लाशों से बरामद करते हैं? कभी कभी वो मर चुके होते हैं, कभी कभी हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में। ज्यादातर मामले में वो मामूली चीजें होती है, जैसे कि बार फाइट। कई बार उनमें सुलह करवाते हैं, हमेशा ऐसा नहीं हो पाता। फिर क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। पिछली बार एक लड़की का केस मिला था, शायद 29 या 30 साल की थी। वो एक रेस्टोरेंट में रात की शिफ्ट कर रही थी, किसी ने पार्किंग लॉट में ही उसका खून कर दिया। पता नहीं चला किसने किया और क्यों। हम पहुंचे तब तक वो भाग चुका था, पर उस लड़की को 8 बार चाकू मारा गया था। उसके राइट लंग में छेद हो गया था, उसकी वेंट्रिकुलर आर्टरी भी डैमेज थी, इसीलिए खून का बहाव नहीं रुका। मैं वही था जब वो मर गई। हमेशा ऐसी जगह में ही होता हूँ। क्या वो वही लड़की थी जिसने घड़ी पहनी थी, जिसमें मुझे खून लगा हुआ मिला? उसने घड़ी पहनी थी, एक नेकलेस और इयररिंग्स भी। हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने सब निकाल लिया था। वो सब चीजें निकालते हुए तुम्हें कभी दुख नहीं होता? क्या लगना चाहिए? क्योंकि कई लोग जब किसी को मरते हुए देखते तो अपसेट हो जाते हैं, उन्हें दुख होता है, पता है? किसी साइको को दुख नहीं हो सकता। अगर मैं हर बार किसी को मरते देख अपसेट होता रहा तो अपना काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे जल्दी इसकी आदत पड़ गई। मतलब तुम्हें भी दुख होता है? हाँ, होता था। हाँ, शायद जब मैंने शुरू किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने अपना काम करना सीख लिया। थोड़ी देर के लिए जज्बातों को दूर करना पड़ता है, जैसे कि ऑन एंड ऑफ बटन। ऐसे काम करने के लिए खुद के एक हिस्से को टर्न ऑफ करना पड़ता है। और जब घर जाते हैं अपनी ड्यूटी खत्म करके तो जितना चाहे उतना रो सकते हैं और दुख मना सकते हैं। एक दिन जब मैं काम पर गया, मैंने टर्न ऑफ का बटन दबा दिया हमेशा के लिए। इससे चीजें आसान हो जाती है। तुम अपनी बाकी जिंदगी इसी तरह जीना चाहते हो? पता नहीं ये काम मुझे क्या बना देगा। शायद मैं सच में एक साइकोपैथ हूँ। नहीं, साइको सिर्फ चीजों को महसूस करने का ढोंग करता है। तुम ऐसे शख्स के बारे में बोल रहे हो जो महसूस करने का ढोंग नहीं करता, वो महसूस करता है। तुमने कभी सोचा कि शायद यही वजह हो सकती है? किस बात की वजह? तुम्हें नींद ना आने की वजह।
और 20.5 पर प्लीज। आपका टोटल बिल हुआ है 43.72। ये चिप है, आपको चिप रीडर इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक्स। मैडम, ये आपका था, भूल गई। ओह, थैंक्स। वैसे आप ये सारे सामान का क्या करने वाली हैं? ब्लीच और इतने सारे गार्बेज बैग्स। सफाई। क्या आपने सुना वो? हाँ, मेरी फोन की रिंग। तो आप फोन नहीं उठाएंगी? हे, एक मिनट, यहाँ आ सकते हो? श्योर। हाईवे 50 पर कैसे जा सकते हैं? उसके लिए आप ईस्ट में चले जाइए और वहां से एक सीधा रोड ले लीजिएगा। वहां से कुछ दूरी पर जब चौराहा आएगा। ए, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक। अरे देखो, बंद हो गया। वाह, तो फिर ठीक है। थैंक्स। गलती हो गई, सॉरी। मुझे उस कार के करीब आने ही नहीं देना चाहिए था। तुम डर गई थी, है ना? इसे कॉल कौन कर रहा था? कोई नहीं, सच कहूं तो मैं सोचना भी नहीं चाहती। हाँ, पर कुछ ठीक नहीं है। क्या कहना चाहते हो? इतनी रात को कोई कॉल कर रहा है, कोई है जो उसे बात करना चाहता है। और इसका मतलब है? कोई है जो उसे ढूंढ रहा है। तो अब हम क्या करें? देखो, इतना तो बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं? कौन सी जगह के बारे में बात कर रहे थे? तुमने लेक ओकली का नाम सुना है? हाँ, वो शहर से दूर वाली झील ना, वहाँ शायद कोई होटल वगैरह है ना? नहीं, वेल नहीं, पहले था, 2-3 साल पहले। वहाँ जाकर लोग बीमार पड़ने लगे, एक बच्चा मर गया। वो लेक जहरीले पौधे से खराब हो चुकी थी। अब वहाँ रिसोर्ट्स भी बंद हो चुके हैं। पूरी लेक में जहरीली एल्जी फैल चुकी है, इसीलिए अगर कोई उसके अंदर जाता है या उस पानी में कोई भी चीज डुबाएंगे तो सालों ढूंढने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। डुबाएंगे मतलब? इस लाश को कैसे डुबाएंगे? उसे किसी भारी चीज से बांध देंगे, जैसे कि पत्थर। कंक्रीट के पत्थर कैसे रहेंगे? गुड इवनिंग, मैं एक हिट एंड रन केस के सिलसिले में पूछताछ करने आया था। क्या किसी ने तुम्हारा कार? मैं सब समझ गया, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में कुछ और याद है? वो औरत यहाँ आई थी और उसने कुछ सामान खरीदा। कैसा सामान? जैसे कि गार्बेज बैग्स, ब्लीच, शायद 20 मिनट पहले ही आए थे। उन्होंने बताया वो कहाँ जा रहे हैं? दरअसल उस आदमी ने मुझसे पूछा था कि यहाँ से हाईवे कैसे जा सकते हैं, तो आप वैसे इसका कुछ इनाम तो दीजिए। ये देखो, मिल गया हमें। किस्मत अच्छी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बचे हुए पत्थर है बेसमेंट के, छोटे छोटे बेंचेस बनाने के लिए यूज करते हैं। तुम पहले यहाँ आई हो? हर रोज। इस बिल्डिंग का डिजाइन मैंने ही बनाया था जब मेरे पास जॉब था, और अब घंटों कार में बैठती हूँ सैंडविच खाते हुए, मेरे बिना यहाँ सबको काम करते देखती हूँ। वो अभी तुम्हारे डिजाइन यूज कर रहे तो जॉब से क्यों निकाला? मैंने बताया था ना, पर्सनल गलती है। मैं बॉस को डेट कर रही थी। अच्छा, अब समझा, तुम पकड़ी गई। नहीं,
उसने मुझसे ब्रेकअप किया, शादीशुदा था। पता नहीं मैंने उसमें क्या देखा, शायद खुद को बेवकूफ बना रही थी। मैंने उसे समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, पर उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो मुझसे बोर हो चुका है और आगे चलकर मैं उसके लिए सरदर्द ना बन जाऊं, इसलिए उसने मेरी कंप्लेंट एचआर से कर दी। oh. और इस तरह मेरे करियर की बैंड बज गई। ये काम मेरे लिए सपना था, सिर्फ काम नहीं था, सिर्फ जॉब नहीं था। मैं बचपन से ही आर्किटेक्ट बनना चाहती थी और अब हर रात अनजान लोगों को अपने कार में घुमाती हूँ ताकि किराया दे सकूं और कोई मुझे अपनी कंपनी में जॉब दे दे। ऐसा भी नहीं है कि मेरे पुराने बॉस की तरफ से मुझे कोई रेफरेंस मिल जाए। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। एटलीस्ट अब तुम अपना बदला ले सकती हो। क्या मतलब? हम उनके पत्थर चुरा रहे हैं। एक पत्थर की कीमत कम से कम $1 तो होगी। हाँ, सबक मिल जाएगा उसे। तुमसे एक सवाल पूछूं? क्या? तुम मेरी हेल्प करने के लिए क्यों रेडी हुए? क्योंकि तुम्हें हेल्प चाहिए थी। अच्छा, थैंक यू। माइक। क्या? माइक, यह मेरा नाम है। थैंक यू माइक। माइक, क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। मैं उस आदमी का फोन देख सकता हूँ? उसकी क्या जरूरत है? बस कुछ नहीं, ठीक से चेक करना है, हर एक निशान मिटाना होगा, नहीं तो सब कुछ तुम पर आ जाएगा। मेरे ख्याल से उसकी बैटरी निकाल देनी चाहिए ताकि कोई सबूत ना रह जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। हाँ, पर हमें सेफ साइड पर होना चाहिए। सिर्फ पानी में डुबाना काफी नहीं है, इस फोन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। पेट्रोल पंप पर जिसका कॉल आ रहा था वो मिशेल नाम की लड़की थी। क्या कहा तुमने? डिटेक्टिव हार्टफोर्ड, प्लीज कम इन। आपकी गाड़ी स्टेशन के पीछे 1 घंटे से खड़ी थी। क्या हुआ? मरने से पहले इसने कुछ कहा था। उसने कहा लेडी बग। सच में? हाँ, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर ये कोई इंसान है, उसकी कॉल हिस्ट्री में है, इसीलिए उसने ये नाम लिया। लास्ट में उसने उसी से बात की थी। ये देखो, टाइम भी लिखा है। एक्सीडेंट कब हुआ था? मुझे याद नहीं, शायद आधी रात थी। मरने से कुछ मिनट पहले इसी लड़की का कॉल आया था। तुम्हें कैसे पता लड़की है? लेडी बग। क्या लगता है कौन होगा? शिट,
अब क्या करूं? गाड़ी रोकनी होगी। कुछ नहीं होगा, टेल लाइट बंद है ना, तुम्हें बस चालान देना होगा। क्या हुआ सर? आप कार से बाहर आएंगी मैडम? मेरे साथ आइए। क्या हुआ सर? आज रात मैंने हाईवे पर एक हिट एंड रन केस देखा है। ओह माय गॉड। सड़क पर काफी खून था पर लाश नहीं थी, इसके बारे में कुछ पता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। आज रात आप किसी कार वॉशिंग सेंटर पर गई थी? हाँ शायद। और कार वॉश की वजह? कार गंदी हो गई थी, मैं उसे साफ करना चाहती थी बस। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हेलो। हाय, मैं बोल रही हूँ। तुम ठीक तो? क्या हुआ बोलो। मैं ठीक हूँ। शायद मैं टैक्सी लेकर एक आदमी को पिक करने गई थी, पर न जाने कि उसे देखकर अजीब लग रहा है। मैं इस वक्त तुम्हें कॉल नहीं करना चाहती थी, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मदद चाहिए? तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? मैं ऑफिस के पास वाली सड़क पर हूँ। जरूर, बस मैं एक ही मिनट में पहुंच जाऊँ। आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, पर ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अच्छा ये बताइए, आपने कार के डिक्की में क्या रखा हुआ है? कुछ नहीं, कुछ पुराने कपड़े पड़े हैं जो मैं किसी को देना चाहती थी। ओके, आप कार की डिक्की खोल सकती है। ठीक है, अब आप पीछे हट जाइए। नहीं 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 नहीं, बाल बाल बच गए। क्या बात है, तुम्हें रिसीट चाहिए? पागल हो क्या? तो फिर निकलो यहां से, तुम्हारा सामान इस बैग में ही है।
इस बैग को तुम कहीं पर भी यूज करते थे, तुम्हें पता है ना? पर इसे वापस कर देना, मेरे बच्चे का है। हाँ, दे दूंगा। हेलो कैप्टन। हाँ, काम हो गया, वापस स्टेशन के लिए निकल रहा हूँ, पर पहले मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है। एक बात बताइए, लेक ओकली जाने का अच्छा रास्ता कौन सा? एलिसन। हे माइक, इस पूरी वारदात में मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये सब अकेले हैंडल करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, पर तुमने शांति से मेरा साथ दिया, तुमने मुझे शांत रहने दिया, आराम से मेरा हाथ बटाया जबकि इतना सब कुछ हो रहा था। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती, तो थैंक यू। एलिसन। हाँ, वो लाश किसकी है? तुम्हें वो जानता था? वही जिसके बारे में बता था। कौन? वही मिलर एंड वेस्टहॉफ जहां मैं काम करती थी, वो मेरा बॉस था। तो तुम लेडी बग हो जिसने उसे कॉल किया था एक्सीडेंट के ठीक पहले। तुम्हें पता था वो सड़क के किनारे खड़ा है? लेकिन वो तो एक्सीडेंट था ना, तुम कितने डर गई थी। सच में? हाँ, ऑफ कोर्स, मुझे गवाह चाहिए था, और देखो भगवान ने मेरी मदद के लिए तुम्हें भेज दिया। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही नाटक कर लिया, पर यकीन मानो मैंने रेमंड के लिए असली आंसू भी बहाए थे। मैं बस चाहती थी पुलिस को कोई मेरी बेगुनाही बयां करे, पर इतना सोचा नहीं था कि तुम मेरा इतना साथ दोगे। चलो कोई बात नहीं, जब हम लेक के पास पहुंचेंगे तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट, और फिर ये सारा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है। मैं अब कार में लगे खून के डब्बे साफ कर लेती हूँ, तुम कर लोगे ना? श्योर।
थक गए तुम? बहुत थके लग रहे हो, इतना काम जो किया। मैं यहाँ कभी कभार ही आती हूँ। तुम्हें लगता है रात में सन्नाटा होता है, पर ये सुनो, मेंढक, कीड़े, इनकी आवाजें सुनना अच्छा लगता है। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। घर जाना है? हाँ। अगर तुम चाहो तो म्यूजिक चला दो, पर तुम्हें तो पॉप म्यूजिक पसंद नहीं है ना? तुम्हें पुराने क्लासिकल गाने हाँ। पसंद है राइट? मुझे नहीं पता, कुछ पूछो मत। मैं जानती हूँ तुम अब क्या करना चाहते हैं। क्या? घर जाने के बाद तुम आराम से सोने चाहते हो। तुम्हारी कोई गलती नहीं इसमें, रात भर हम ड्राइव कर रहे थे, मैं भी थक चुकी हूँ। मैं जल्दी से घर पहुंचना चाहती हूँ और अब ये सब भूल जाना चाहती हूँ। तो अब तुम क्या करोगी? ये कैसा सवाल है? दो लाशें हैं, तुमने उस पुलिस वाले को वहीं छोड़ दिया, उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? क्या पता, मुझे उसका भी कुछ करना चाहिए था। तुमने उसे गोली मार दी। हाँ पर वो मेरी गन थोड़ी थी। अरे हाँ, वो तो तुम्हारे बैग में रखी गन थी, मैंने पेट्रोल पंप में उस बैग से निकाल लिया था। वो गन तुमने खरीदी थी या फिर किसी से उधार ली थी? वो मैंने ही खरीदी थी। तो आप उसके मालिक क्यों हुए? अच्छा, अब रिकॉर्ड्स में उसके मालिक तुम हो तो फिर मुझे पुलिस वाले की लाश की फिक्र करने की जरूरत नहीं। क्या हुआ माइक? देखा, कहाँ था ना तुम्हें नींद आएगी। कहाँ है वो? कहाँ है वो? चार बॉटल्स इसमें रखी थी। हाँ पर शायद उनकी जरूरत नहीं है तुम्हें, पर अगर जरूरत पड़े तो पीस कर डाल दी। अगर तुम वो सोडा पियोगे तो तुम्हें उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। और हाँ, कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं रखी मैंने, किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ। मैंने पूरा बंदोबस्त करके रखा है। माइक रिलैक्स। Oh.
Orlando Police. उसने कहा उस आदमी ने कैब बुक की थी और फिर चोरी किया हुआ सामान बेचकर ड्रग्स खरीदने के लिए पूरा शहर घुमाता रहा। मैं इन दोनों से लोबॉय के घर मिला था, तभी मुझे इन पर शक हो गया था। और जब उस पुलिस वाले ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो उस आदमी ने उसे गोली मार दी। ओ नहीं, इस बेचारे ने रात भर बहुत मुसीबतें झेली है। मिस, अब ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। सब खत्म हो चुका है, अब सेफ है। थैंक्स। किसी चीज की प्लानिंग करना सिर्फ तैयारी करना नहीं होता, बल्कि हमें जो नतीजे चाहिए उसे उसी से हमारे फ्यूचर का सही प्लान बनता है। और जब ये प्लान पूरी तरह से हकीकत बन जाता है तब हमारे रास्ते में कोई भी रुकावट बन ही नहीं सकती।